आपका स्वागत करती हूँ आप ही के प्रोग्राम नॉलेज कैफे पर। क्या आप जानते हैं जो आप टेबल्स हैं 9 की, 9 टू जा 18, 9 फोर जा 36 यानी 9 दुनी 18, 9 चौक 36, इन नंबर इनका जो उत्तर आया यानी ये जो गुणा है ये भी वैदिक गणित के एक सूत्र का प्रयोग करके किया गया और बड़ी आसानी से उसे समझा जा सकता है। इस सूत्र का नाम है एक न्यूनिन पूर्णिन। जैसे 9 टू जा 18 आप करते हैं तो इसका रूल ये है कि आप उसके बेस में से उसको माइनस करिए और फिर उसी में से एक कम कर दीजिए। मतलब जैसे 9 टू जा 18 कर रहे हैं, हम 9 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि ये वन डिजिट नंबर है, इसलिए हम इसी को 10 में से माइनस करेंगे। यानी 10 में से 2 को माइनस किया, इसका परम मित्र 8 हो गया, और 2 में से 1 माइनस किया तो 18 हो गया। इसी तरह से 9 फोर जा 36 आप करते हैं तो 9 फोर जा वन डिजिट नंबर है इसलिए उसका बेस 10 हुआ, तो मैंने 10 को 4 में से माइनस किया तो 6, और 4 में से ही 1 को माइनस किया तो आया 3, तो आंसर हो गया 36। अगर हम टू डिजिट नंबर के मल्टीप्लीकेशन देखें और 99 से मल्टीप्लाई कराएं तो 99 से मेरे को मल्टीप्लाई कराना है 84 को। अगर आप 84 को 99 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आप यहाँ पे भी एक न्यूनिन पूर्णिन सूत्र का प्रयोग करके बड़ी आसानी से मिनटों में, सेकंडों में आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। जैसे हमने कहा था 84 को आपको मल्टीप्लाई करना है 99 से, तो 84 को पहले 100 में से माइनस करिए, यानी इसका परम मित्र क्या है, इसका पूर्ण अंक क्या है, इसका पूरक क्या है। अगर मैं इसको 100 में से माइनस करती हूँ 84 को तो आपका आता है 16, और 84 में से ही एक नंबर माइनस कर दीजिए तो आया 83, यानी 8316 इसका आंसर हुआ। हुआ ना बड़ा आसान? तो इसी तरह के आप प्रैक्टिस करते रहिए, हम फिर मिलेंगे आपके इसी चैनल पर क्रेडिट क्लासेस और इसी प्रोग्राम में नॉलेज के।